ये देखिए, ये दोनों तरफ से हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं और हमने इसको निकाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी आप लोगों की दुआओं से खैरियत से हैं। अच्छा, आज जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ एक आइडिया हो गया है। ये बेसिकली बनते हैं बन कबाब के, जो कबाब हैं ये वो हैं। तो मैं उसकी रेसिपी आपको दे रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो बन कबाब की होगी। इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और जो है इसके लिए हमें चाहिए जो सामान है वो कुछ ऐसे है। आधा किलो चने की दाल, ये आधे घंटे से जो हमने इसे सोप किया हुआ है। आलू आधा किलो, 3 टेबल स्पून धनिया, 2 अदद अंडे, 1.5 टेबल स्पून जो है नमक यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 3/4 टेबल स्पून जो है गरम मसाला, 4 साबुत गोल लाल मिर्चें, 10 अदद सूखी हरी मिर्चें जो होती हैं लाल हुई हुई वो हैं, और 25 अदद जो हैं वो हरी मिर्चें हैं। इसके अंदर पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च कोई नहीं जाती, ये मिर्चें जाती हैं। अगर आप इन दोनों में से भी आप एक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़रा दोनों का टेस्ट अलग होता है तो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप ये दोनों ही यूज़ करें। अच्छा, अब हम बता देते हैं कि हमने क्या करना। आलू मैं पहले उबलने के लिए रख रही हूँ। आलू टोटल डन कर देना है, इसको उबाल देना है, इसको हमने वो अलग उबलेंगे। बाकी जो सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने के लिए माने रहीम। सबसे पहले हमने देगची के अंदर जो है वो चने की दाल डाल देनी है। चने की दाल डालने के बाद जो हमारी सारी चीज़ें हैं, हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, गरम मसाला, सब चीज़ें हमने एक साथ ही डाल देनी है। हमें इसमें कोई भी अलग काम नहीं करना। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, जितने में हमारी चने की दाल थोड़ी सख्त यानी गली हुई भी हो और मगर थोड़ी टाइट हो, नरम नहीं होनी चाहिए। तकरीबन इसके अंदर जो है ना वो 1.5 गिलास के करीब पानी गया हुआ है, ये देख लीजिए। डिपेंड करता है चने की दाल आपने कितनी देर सोप की हुई है। मेरा 1.5 गिलास में डन हो जाएगा, मुझे इतना आइडिया है। और इसको मैं अब बिल्कुल गलने तक जो है वो छोड़ दूंगी। ये जैसे ही गलती है मैं फिर आपको दिखाती हूँ। और हमने आलू बॉयल्ड होने रख दिए हैं, वो भी इतनी देर में बॉयल्ड होके हो जाएंगे और ये चने की दाल भी हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए, दाल हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है, ये देखिए, मगर ये खड़ी भी है, बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए। जितनी ये अच्छी खड़ी भी होगी इतना अच्छा आपका कबाब टाइट बनेगा। आलू हम बॉयल कर चुके हैं, दाल को मैं डालूंगी चॉपर में। आलू नहीं डालेंगे, सिर्फ दाल डालेंगे आप। आलू हाथ से मैशूंगे। चॉपर का शोर होगा इसलिए मैं बंद कर वीडियो को यहीं रोकूंगी। इसको मैं अच्छी तरह से पीस लूँ, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दाल हमने अच्छी तरीके से पीस ली है, ठीक है। आलू हमने हाथों से मैश किए हुए, अब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें हरा धनिया डाल रहे हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, अब इसके हम कबाब बनाएंगे। और इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे। ये ऐसे ही सारे बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या। ये अंडों कबाब हम सारे बना चुके हैं, अंडा हमने फेंट लिया है। अंडा फेंटने के बाद अब हमने जो है शैलो फ्राई इसको करना है। तो कबाब को जो है अंडे में डिप करके और ऑयल में डालते जाएंगे। ये फ्राई हो जाते हैं, गोल्डन फ्राई करके हम इसे निकाल लेंगे। ये जैसे ही फ्राई होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दोनों तरफ से हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं और हमने इसको निकाल लिया है। और इसी के साथ अगर आपको हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें आपकी
राय का इल्म हो। इसके साथ ही हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।